नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन आई। नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई छापेमारी की आलोचना की है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए आज कई ट्वीट किए हैं। पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। अपने किए गए ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं आश्चर्य में हूं, किसने ऐसी कार्रवाई करने की सलाह दी थी जबकि संसद का सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ जन नेता ही नहीं होता है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी की जगह मनमोहन सिंह के चयन से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाहरी लोगों को भी आश्चर्य हुआ। और कई लोगों का कहना है कि अगर प्रणब प्रधानमंत्री बनते तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार नहीं होती। खुर्शीद ने अपनी नई किताब द अदर साइड ऑफ द माउंटेन में लिखा है कि बेहतरीन घटने के बाद अक्लमंदी दिखाना हमेशा आसान होता है। अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त बताते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मंगलवार को कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें और सारी संसद मिलकर मुझे प्रधानमंत्री के रूप में पेश करे तो इससे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, साथ ही देश दिन ब दिन तरक्की करेगा। जब आजम ने कहा कि आपकी पार्टी में तो मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो इस पर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा जब ऐसा समय आएगा तो मुलायम सिंह मेरा नाम पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। निर्भया के परिवार का नया घर तीसरी मंजिल पर है। पुरानी जिंदगी के टुकड़ों को समेटकर और जोड़कर एक नई शुरुआत की कोशिश जारी है। 3 साल पुराने घाव को भरने की कोशिश। पुराने घर से नया घर अलग है, काफी बड़ा है लेकिन यहाँ शांति ज्यादा है। हर व्यक्ति कुछ ज्यादा ही व्यस्त है। खटखटाने पर दरवाजा छोटे बेटे ने खोला, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक सवाल, किससे मिलना है। माँ आशा देवी किचन में थी, बेटे ने उससे पूछा, फिर दरवाजा खोला। पिता बद्रीनाथ अभी भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के T3 टर्मिनल स्थित दफ्तर में थे और घर में हमारे आने की बात बताना भूल गए थे। क्रिसमस और नए साल की खुशी के मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हमले की साजिश करने वाले 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों संदिग्ध आतंकी यूपी के संभल जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीमें यूपी में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों संदिग्ध काफी वक्त से पुलिस के रडार पर थे और खबर है कि 2 साल पहले वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने माना है कि देश में असहिष्णुता का माहौल है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि वे इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में असहिष्णुता का माहौल है और जरूरी है कि इस पर केंद्र सरकार सफाई दे। उन्होंने कहा कि जो लोग देश या राज्य छोड़ने की बात कह रहे हैं वे गलत सोच रहे हैं। लालपुर पुलिस ने अर्थशास्त्री और विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर जिया द्रेस से बाइक को छोड़ने के लिए 500 रुपए की रिश्वत मांगी। उनके साथ लालपुर थाने में गलत व्यवहार किया गया। जिया द्रेस ने मामले की जानकारी डीसी और पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी। घटना को लेकर लालपुर थाने के दारोगा बलबीर सिंह और दमादार सुरेश ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए सिटी डीएसपी सुदर्शन आस्तिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज़ियाद्रेस के अनुसार उन्हें 13 दिसंबर को हेहल में आयोजित बैठक में भाग लेना था। संसद में लगातार कोई कामकाज न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसदीय कामकाज का मजाक बना दिया है। उसका एकमात्र एजेंडा देश को बर्बाद करने का है क्योंकि वह लोकसभा चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने विपक्षी दल को निशाने पर लिया। कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट अब विकलांग और निशक्त बच्चों पर नजर टेढ़ी कर रहा है। संगठन ने इराक और सीरिया में सभी अपाहिज बच्चों की हत्या करने का फतवा जारी किया है। मोसुल आई नाम के एक समूह ने दावा किया है कि आईएस ऐसे सभी बच्चों का खात्मा करने की योजना बना रहा है और अब तक वह जहरीला इंजेक्शन लगाकर या गला दबाकर करीब 38 बच्चों की हत्या कर भी चुका है। मोसुल आई आईएस की सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के स्टूडेंट्स को अब वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल हार्वर्ड बिजनेस के साथ मिलकर पढ़ने का मौका मिलेगा।
मंगलवार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सहयोग से IIML में नए सेशन से माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस सब्जेक्ट पर इलेक्टिव कोर्स की शुरुआत करने जा रही है। इस कोर्स का पूरा स्टडी मटेरियल और जरूरी चीजें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल उपलब्ध कराएगा। इसके लिए दोनों संस्थाओं ने आपस में सहयोग करने का फैसला किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।